आप भी शक के दायरे में हैं, तो आपके पास क्या दलीलें हैं जिससे आप ये साबित कर पाएंगे कि आप जासूस नहीं हैं? जो भी दलीलें हैं, जो भी चीज़ें मेरे साथ आई थी पाकिस्तान से, वो अभी कस्टडी में है, तो कुछ तो हो गया है कन्फर्म, कुछ भी कन्फर्म हो जाएगा और मुझे यकीन है कि सच ही सामने आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है मैम, मैं इनकी मोहब्बत में यहाँ आई हूँ। मैंने कभी भी ज़िंदगी में ना जेल देखी थी, ना कभी पुलिस सामने देखी थी, ऐसा मैंने कभी ज़िंदगी में, ना ही मैंने कभी अपना फ़ोटो भी नेट पे डाला था। अगर कोई डालती भी थी तो प्राइवेट, सिर्फ मैं देख सकूँ और यही देख सकें। तो आज मैं, दुनिया मुझे देख रही है तो थोड़ा अजीब भी है मेरे लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है मैम, आई थिंक, मुझे यकीन है इंडियन जो पुलिस हैं, जो यहाँ की काम कर रही हैं मेरे बारे में, वो सच सामने लाएंगे। अच्छा, एक और बात सीमा, जैसे आपने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और अभी बहुत सारी चीज़ें साफ़ हुई हैं और हो जाएंगी, लेकिन जानकारी ये भी है जो चर्चाओं में है आपको लेकर कि आपके भाई पाकिस्तान आर्मी में है, इसलिए आपको लेकर कहा जा रहा है कि आप जासूस हो सकते हैं, जिस बात का जिक्र अभी हमारी सहयोगी रोहिणी ने भी किया। तो भाई आर्मी में कैसे जुड़ा, आप उनसे कितनी आपकी बातचीत है, क्या आपकी आपस में बातचीत में शेयर हुआ कि आर्मी को लेकर क्या तरीका है, पाकिस्तान में कैसे काम होता है, क्या नहीं होता है, बहुत सारी बातें हैं जो आपको शक के दायरे में भी लाती हैं। जी मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पापा की इच्छा थी, क्योंकि हम, मेरे भैया को जॉब नहीं मिल रही थी। मेरे भैया हाइट के लंबे और अच्छे हैं, स्मार्ट हैं, 22 साल के हैं, वो ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, तो उनकी मतलब जॉब नहीं, जो हमारे लड़कों को जॉब नहीं मिलती तो वो फ़ौज में ही भर्ती होते हैं। तो ये मैंने खुद ही सच बताया था और वो अभी भर्ती हूँ 2022 में, अभी वो कन्फर्म भी नहीं हुए कि आगे वो जाएंगे कि नहीं, अभी उनकी चल रही है, उनकी ज़्यादा सैलरी भी नहीं थी, अभी वो वाकई फ़ौज में भर्ती हुए हैं। नहीं, और आप हिंदुस्तान में आ चुकी हैं बताया आपने? नहीं मैम, मैं किसी को, मेरे घर वालों को किसी को पता नहीं था। मेरा लड़का हुआ था तो इनके गांव में कत्ल आम है, लड़की को मारना बिल्कुल ही आम है इनके, जो इनका गांव है ना जेकमाबाद, वहां लड़की को मारना जैसे मच्छर मार दिया आपने, ऐसे है, मार देते हैं और कोई इनको रोने भी नहीं देते परिवार को। पाकिस्तान में अभी कहाँ रह रही थी? मैं कराची शहर में शादी के बाद, इसी डर से मैं हैदर साहब के साथ रह रही थी। जी, इसी डर से मैंने हैदर से रिक्वेस्ट करी कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि कल हमें बच्चे होंगे तो उन पर क्या असर पड़ेगा। वहाँ स्कूल भी नहीं है पहली बात, कोई भी मतलब वो नहीं है, जैसे शहर होता है, बहुत दूर शहर है जेकमाबाद, ये बिल्कुल जंगल में रहते हैं, क्योंकि सब किराए में लड़कियाँ मारते हैं, यहाँ पे आम था लड़की। कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं मैम। तो आप अभी हैदर साहब को, जब बच्चों के बाद तो रह रही थी ना आप कराची में, हैदर साहब के साथ ही रह रही? नहीं, हैदर सऊदी अरब में, 19 में वो चले गए थे, अब 2019 में चले गए जी, अब तक नहीं आए थे। और 2019 में ही आप नेपाल गई थी? नहीं, मैं 2023 में आई थी मैम, शुरू में मेरा, मैं 20 में इनसे मिली थी, शुरू में मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इनसे इतना प्यार होगा या मैं यहाँ पे आऊँगी, ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे बीच, हम खाली फ्रेंड थे, फ्रेंड ही रहे 1 साल 1.5 साल तक। फिर जब मतलब मुझे लगा, और मेरे पापा की डेथ होने के बाद खास तौर, तो मैं अकेली सी हो गई मैम। कब हुई डेथ? उनकी 2022 में हुई थी, दिसंबर में। तो उस बात से वाकिफ थी कि वहाँ पर मारते हैं, काटते हैं, लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, तो कैसे आपने वो हिम्मत जुटाने की कोशिश की? आपको लग रहा था, माफ़ कीजिएगा, कुछ आपके हाथों पे ये सारे मैं निशान भी देख रही हूँ, ये क्या है, ये किसने, क्या किसी ने किया है? नहीं, मैंने खुद करा था उनके प्यार में, हमारी लड़ाई होती थी, शादी वगैरह पे जाते थे मुझे बताए बगैर, तो इस बात पे हमारी ज़्यादा लड़ाई होती थी, तो इस कारण ये बीड़ी पीते थे मुझसे, चोरी चोरी से, ये चोरी छिपे पीते थे। हाँ, तो मुझे इनके दोस्त फ़ोन करके बताते थे कि बीड़ी पी रहे हैं, तो मेरी कसम खाते, तो इस बात पे ज़्यादा मैं ये खुद को जलाती और काटती। कब की बात है?